गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम प्रेजेंट हेयम अ ब्यूटीफुल चैप्टर लीजेंड्स इन स्पोर्ट्स। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर इंग्लिश फेरी बुक ऑफ स्टैंडर्ड 6। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट पीवी सिंधु। आई शैल इंटरप्रेट दिस short anecdotes both in Hindi and in English. Now let's start. Well, now it's time to tell us about PV Sindhu, isn't it? Ritu asked eagerly. Ritu ne kaafi utsukta purvak kaha ki bahut badhiya aur ab samay aa gaya hai पीवी सिंधु के बारे में जानने का। आंट पेटेड हर हेड और चाची अनिका अपने सिर को हिलाई। सिंधु इज अ स्पोर्ट्स आइकन टू मैनी ऑफ यू टुडे। सिंधु जी, आज के जितने भी स्पोर्ट पर्सन्स हैं उन सभी स्पोर्ट पर्सन्स में वो एक बेहतरीन चेहरा है। शी हैज़ एन अनकम्प्रोमाइजिंग कमिटमेंट टू द गेम एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड अ नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस। उनकी हम तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप में बेमिसाल है। और जहाँ तक खेल दुनिया की बात है तो उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सी बिगिंस हर प्रैक्टिस एट 4 AM। सुबह के 4 बजे से ही वे अपना अभ्यास शुरू कर देती थीं। नो वंडर सी इज सो गुड, सेड रितु एंड नितिन टुगेदर एडमायरिंगली। रितु और नितिन एक साथ प्रशंसा भाव में कहें कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि वो एक अच्छी खिलाड़ी नहीं थी। वाकई वह एक अच्छी खिलाड़ी थी। पीवी सिंधु इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। पीवी सिंधु जी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। हर पेरेंट्स वर वॉलीबॉल प्लेयर्स एंड हर फादर वॉज ऑनर्ड विद दी अर्जुन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हिज स्पोर्ट। उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो वॉलीबॉल के काफ़ी प्रेमी थे। वॉलीबॉल खूब खेलते थे और उनके पिताजी अर्जुन अवार्ड से कई बार सम्मानित किए जा चुके थे अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए। सी स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम द एज ऑफ 8। वह 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना प्रारंभ कर दी थी। सी वॉज प्रोफाउंडली इंस्पायर्ड बाई पुलेला गोपीचंद्स विक्ट्री इन दी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन 2001। वो पुलेला गोपीचंद्स विक्ट्री, जो कि अखिल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन सन 2001 में किया गया था, पूर्ण रूप से प्रभावित हुई। हर फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू वॉज एट द 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप फॉर द अंडर 10 कैटेगरी, सेड अंट अनिका। चाची अनिका ने बताई कि उनको बड़ी उपलब्धि मिली थी और उनका जो रैंक था वो पूरे ऑल इंडिया चैम्पियनशिप में 5वां रैंक था। दैट्स अमेजिंग, सेड रितु। और रितु ने
कही, वाकई ये बड़ा उपलब्धि है। सिंधु वॉज सक्सेसफुल एट मैनी चैम्पियनशिप बिटवीन 2010 एंड 2018। आंट अनिका इन्फॉर्म द चिल्ड्रेन। सिंधु जो थी वो अनेक चैम्पियनशिप में सफल रहीं। 2010 और 2018 के बीच में जिस खेलों का आयोजन किया गया था उसमें भी वो सफल रहीं। और चाची अनिका ने बच्चों को यह भी बताया कि उन्हें पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार मिला था। पद्म श्री मिला था 2015 में और राजीव गांधी खेल रत्न उन्हें मिला था 2016 में। सी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बाई विनिंग मेडल्स फॉर टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। और वह पहली भारतीय है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, खासकर बैडमिंटन चैम्पियनशिप में, अपनी सफलता दर्ज कराई। और हम ये कह सकते हैं कि उनके परिवार में जो लगभग दो जो उनका पीढ़ी था जो कि खेलों से ही संबंधित था, उनके जीवन पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा हुआ था। और उन्हें अनेक वर्षों में, हम ये कह सकते हैं कि खेल में, वैसे तो किसी को खेल का स्टार बनने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन ये एक ऐसी स्पोर्ट पर्सन थी कि इनको खेल के क्षेत्र में नाम कमाने में बहुत अधिक समय नहीं लगा और कम समय में ही इन्होंने खेल के क्षेत्र में अपनी एक अद्वितीय पहचान स्थापित की। इन 2018 पीवी सिंधु ओन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द एशियन गेम्स। और सन 2018 में पीवी सिंधु ने प्रथम भारतीय एक वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया और यह सिल्वर मेडल उन्हें आयोजित किया गया एशियन गेम्स में प्राप्त हुआ। द चिल्ड्रेन वर क्वाइट एस दे थॉट अबाउट व्हाट दे हैड हर्ड। अब बच्चों ने बिल्कुल बच्चे मौन हो गए और वे उन सब के बारे में काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। अब उन सब के बारे में कहने का तात्पर्य ध्यानचंद, मैरी कॉम और पीवी सिंधु से है। देन सडनली रितु विस्पर टू आंट अनिका। और तब भी एकाएक रितु चाची अनिका के कानों में बुदबुदाई। डू यू थिंक मम्मी विल सपोर्ट मी इफ आई वॉन्ट टू बिकम अ स्क्यूबा डाइवर। और उसने उनसे पूछा कि क्या मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ, मुझे सपोर्ट करेगी क्योंकि मैं एक स्क्यूबा डाइवर बनना चाहती हूँ। आंट अनिका विस्पर्ड बैक, व्हाई नॉट। और चाची अनिका ने भी कही कि क्यों नहीं, तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी माँ तुम्हारी सपोर्ट स्क्यूबा डाइवर में क्यों नहीं करेगी, तुम पॉजिटिवली सोचो और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पेरेंट्स तहे दिल से तुम्हारी मदद करेंगे। रितु एंड नितिन न्यू देयर पेरेंट्स वुड इनकरेज देम टू रियलाइज देयर ड्रीम्स। अब रितु और नितिन को भरोसा हो गया, वो समझ गए कि उनके पेरेंट्स भी उन्हें इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और उनके सपनों को साकार करने में मदद पहुंचाएंगे। देन इन दिस वे दिस चैप्टर
has got over. I think you will have got this chapter from the core of your heart. Thank you and have a good day.